26 जून से दूर संचार अधिनियम 2023 आंशिक रूप से लागू हो गया है। आंशिक रूप से मतलब यह है कि इस कानून की कुछ धाराओं के नियम लागू हो जाएंगे। जैसे अब आप किसी भी कंपनी का सिम जैसे जियो, एयरटेल, वीआई को पहले के तरह पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। इसके लिए अब लंबी प्रक्रिया होगी। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रदीप कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एयरटेल, वीआई और इन सभी कंपनियों के क्या क्या नए नए प्रावधान दिए गए हैं इस अधिनियम में। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और अपराधों की रोकथाम के आधार पर दूरसंचार सेवाओं का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकती है। इसके अलावा इस एक्ट में सिम कार्ड को लेकर के भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। फर्जी सिम कार्ड जारी करने पर रोक लगाने के लिए बिल में सख्त प्रावधान किए गए हैं। किसी भी तरह के सिम कार्ड फ्रॉड करने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना लगेगा। बिल के तहत फर्जी सिम कार्ड बेचने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर भी 3 साल तक की जेल या फिर 50 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान दिया गया है। सिम बेचने के लिए बायोमेट्रिक डाटा लिया जाएगा, इसके बाद ही सिम कार्ड जारी किया जाएगा। एक पहचान पत्र पे केवल 9 सिम जारी ही होंगे। अगर कोई 10वां सिम जारी कराता है तो उस पे 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, या फिर यह काम दोबारा करता है वही व्यक्ति तो 2 लाख रुपये तक का जुर्माना होगा। वहीं आप अगर जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट से हैं तो केवल आप एक आईडी पे 6 ही सिम ले सकते हैं। नेशनल सिक्योरिटी दंगा फसाद को ध्यान में रखकर ये नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आपने सिम कार्ड को अपना पोर्ट कराना चाहते हैं तो इसके लिए 7 दिन का वक्त आपको अब देना होगा, इंतजार करना होगा। पहले जब आप WhatsApp से किसी को मैसेज करते थे तो केवल उसी व्यक्ति को मैसेज दिखता था, तीसरे व्यक्ति को इनक्रिप्ट लिखकर आता था, या फिर आप जब Instagram से किसी को मैसेज करते थे तो केवल उसी व्यक्ति को दिखता था और जो भेजता था उसको दिखता था, कोई तीसरा व्यक्ति उसको पढ़ ही नहीं पाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, सरकार को हर एक चीज पता रहेगी। यानी आप अपने गर्लफ्रेंड से क्या चैटिंग कर रहे हैं सरकार को जब मर्जी होगी वह जान सकती है। ऐसा नहीं है कि सरकार आपको हमेशा देखती रहेगी, बट वह जब चाहेगी तब वह चैटिंग देख सकती है। जो पत्रकार हैं उनको इस सर्विस से अलग रखा गया है, लेकिन जब भी कोई पत्रकार संदेह के दायरे में आएगा तो सरकार जब चाहे तब उसकी चैट पढ़ सकती है या उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। अब जो कंपनियां हैं, चाहे एयरटेल हो, वीआई हो, जियो हो या फिर कोई भी कंपनी हो, इन कंपनियों को एक अधिकार सरकार ने और दिया है। जो इनका नेटवर्क लगाने का स्थान होगा वह चाहे आपकी ज़मीन हो, चाहे किसी और की जगह हो, वह जब चाहे जहां चाहे वो अपना टावर नेटवर्क लगा सकती है। आप अब कुछ नहीं कर पाएंगे, यह उनको अधिकार मिल चुका है। यहां पर एक बात और ध्यान रखने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट जब चाहे तब आपको यानी पूरे भारत में किसी को भी जब चाहे वह उनके पास आपातकालीन मैसेज भेज सकती है। और इसका बीच में ट्रायल भी हुआ था, आपको याद भी होगा, जब आपका मोबाइल वाइब्रेट कर रहे थे यह आपने देखा भी होगा। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कोई भी नेशनल सिक्योरिटी को कोई भी बड़ा खतरा हो सकता है या कोई हादसा हो सकता है किसी जगह पे, तो वहाँ पर केवल पहले नेट बंद करते थे, लेकिन अब कॉल भी बंद हो जाएगा। यानी जब कोई दंगा फसाद होगा तो आप देखेंगे कि केवल वहाँ पर नेट नहीं बंद हो रहा है, वहाँ पर कॉल करना भी बंद हो जाएगा। बिना इजाज़त के टेलीकॉम नेटवर्क का डाटा एक्सेस करना, कॉल टैप करना या रिकॉर्ड करना अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 साल तक भी सजा हो सकती है, इसके लिए 3 साल तक की सजा भी हो सकती है। दोस्तों अब ये सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि अब आप अपने जीवन में एक आईडी से 9 सिम ही ले सकते हैं। 9 सिम से ज़्यादा लेते हैं तो आप पे 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, और दूसरी बार यह गलती करते हैं तो 2 लाख रुपये का जुर्माना लग सकता है। इसलिए आपको अब ऐसा नहीं करना है। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी भी कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको अधूरा लगता है, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मुझसे जान सकते हैं, पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने, जानने, सुनने के लिए। हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।